टू माय चैनल द कोडिंग। काफ़ी दिनों बाद मैंने आज शेयर मार्केट में काम किया, तो उसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि आज मैंने एस्टिमेट लगाया था कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, कॉल की तरफ से ऊपर जाएगी। तो ये मैंने कैसे एस्टिमेट लगाया, ये मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। मैंने इसके लिए इसके प्रीवियस डेज जो थे उनकी स्टडी की। मार्केट काफ़ी दिनों से ये देखो गिर रही थी, नीचे आ रही थी, जब भी नीचे आती है थोड़ी सी तो ऊपर जाती है, यहाँ भी। तो मैंने सिर्फ इसके पिछले दिन का 9 9 तारीख का डिप देखा था, क्या था, मार्केट ऊपर गई काफ़ी नीचे गिरी। तो इससे मैंने एस्टिमेट लगाया कि थोड़ी सी तो ऊपर जाएगी। तो इसके लिए मैंने आज सुबह जितना भी प्राइस था ओपनिंग से 181 182 के पास था, तो मैंने उसी पे बाई कर लिया। तो अपना चार्ट दिखाता हूँ मैं, जैसे मैंने बाय किया 182 पे, ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो मैंने इस पे 190 के पास स्टॉप लॉस लगा दिया था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, नीचे गिरा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस हिट किया और मुझे प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद जब ये पूरी नीचे गिर चुका था यहाँ तक, तो हिस्ट्री के हिसाब से मैंने यहाँ से, मतलब अगर यहाँ बाई करूँ थोड़ी सी तो ऊपर जाएगा। मैंने 150 के पास यहाँ पे बाय किया था 1 किलो, तो ये ऊपर गई, मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया कि इससे नीचे इसने जाना नहीं था, तो फिर से यहाँ से वापस चली गई। तो यहाँ पे जाकर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 190 के पास, तो यहाँ पर मेरा हिट कर गया, सेल हो गया। तो जब दोबारा मार्केट गिर के यहाँ पर आई, तो मैंने फिर से 150 पे यहाँ पे ही बाई कर लिया हिस्ट्री के हिसाब से। ये देखो नीचे नहीं आई इसे, तो यहाँ से बाई किया, तो फिर से मेरा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे जाके 190 के पास फिर से हिट हो गया, तो तीसरा प्रॉफिट भी आ गया। और इसके बाद मैंने 179 यहाँ पर जब गिर चुकी थी हिट करने के बाद, यहाँ से फिर से बाई किया, तो काफ़ी ऊपर, मतलब मैंने 240 के पास इसको सेल किया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था, तो वो हिट कर गया। तो इसके बाद मैंने कोई भी बाई नहीं किया, ये मेरा आज के दिन का प्रॉफिट निकला। इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट निकालता हूँ, बड़े नहीं, एक ही लोट में काम करता हूँ ताकि प्रॉफिट हो, तो इससे ज़्यादा ना हो, इतना होता नहीं है कभी प्रॉफिट, और इतना लॉस भी इतने होता है। और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी जैसे मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे बाई किया है थोड़ा सा ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस लगाओ, जितना भी यार प्रॉफिट तो आएगा, लॉस नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपने बाई किया नीचे चली गई है, तो स्टॉप लॉस लगा दो, जब वो नीचे पूरी तरह से गिर जाएगी वहाँ पे बाई करो। आपको लगता है कि अब बहुत गिर चुकी है, अब इससे नीचे नहीं जाएगी हिस्ट्री को देखकर, तो वहाँ पे बाई करो, थोड़ी तो ऊपर जाएगी तो जाएगा। अगर ऐसे बाय करोगे ना कि मार्केट गिर चुकी है, तो वहाँ पे आपके नीचे जाने के चांसेस कम है, थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगी, वहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है, जैसे मैं करता हूँ। थैंक यू।